हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन समाकलन का अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, इसमें सबसे पहले किसी भी कर्व से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि कर्व दिया है वाई इक्वल टू एफ एक्स और उसका हम जो क्षेत्रफल है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसको ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो एक्स अक्ष पर जिस पॉइंट पर है, तो इस पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx और y इसका फंक्शन हो गया। तो हम यहां देखते हैं कि ये छोटा सा जो पीस है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में है और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? y इंटू डीएक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है dx वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? p से q तक। तो p पर इसका मान है a है और q पर मान b है, तो इसकी लिमिट लगा करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यदि क्षेत्रफल जो आपका y वेरी कर रहा हो, y का मान c से d के बीच में वेरी कर रहा हो, तो फिर हम a वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दो हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो प्रकार से। अब हम यहां देखते हैं एग्जांपल में कि एक वृत्त है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि a त्रिज्या का हमने एक वृत्त ड्रा किया और इसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु। तो यह वृत्त जो है चार बराबर भागों में आता है, तो इसका एक भाग लेके चल रहे हैं जी वाला पहले चतुर्थांश में। तो यह स्मॉल क्वांटिटी dx लिया और ये y है फंक्शन पे, तो x की लिमिट कहां से रहेगी? जीरो से a तक रहेगी। तो आप देखेंगे एक ही लिमिट जीरो टू a है और फोर इसलिए लिखा है कि ये चार इक्वल रीजन है, तो हम एक रीजन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो चारों बराबर रहेगा, तो इसलिए फोर टाइम्स कर दिया। ठीक है, y इंटू डीएक्स, y कितना हो जाएगा आप इससे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसमें और रख करके अब हम इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसकी लिमिट का मान रख देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम अगर हम दूसरा कर्व दीर्घ वृत्त लेके चलते हैं, दीर्घ वृत्त का डायग्राम आप देखेंगे इस तरह से बनता है, इसमें ये दीर्घ अक्ष है और ये लघु अक्ष है। ठीक है, और वही फार्मूला यूज करेंगे और इसको इसी तरह से इसको हल करेंगे। इस एग्जांपल को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से समझ लें। ठीक है, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं कि इसमें एक वक्र दिया है और एक सरल रेखा दी है, उससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहां देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या बनाता है? एक पैराबोला। आप देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला बना रहा है। ठीक है, और y इक्वल टू फोर यह लाइन है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। आप देखिए ये दो बराबर हिस्से, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको दुगना कर देंगे, टू का मल्टीप्लाई करके, तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो टू किया, अब इसमें वाई की लिमिट कहां से जा रही है? यहां पर वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू फोर गया। ठीक है, और एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई, तो एक्स की मान कितना हो जाएगा यहां पर? वर्गमूल वाई। ठीक है, और आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और मान निकाल लीजिए, तो यह आपका क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमको वक्र वाई स्क्वायर इक्वल एक्स और एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4 और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बनेगा इस तरह से बना होगा,
ये आपका इलिप्स हो गया पैराबोला, और एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन कहां पर है, यहां पर है एक्स इक्वल टू वन, और एक्स इक्वल टू फोर, तो टू थ्री फोर, एक्स इक्वल टू फोर। तो हमको कहां का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रथम पाद पर, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यह जो क्षेत्रफल है यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मान जो आएगा आपका इंटीग्रेशन, इसमें एक्स की लिमिट है एक्स इक्वल टू वन से एक्स इक्वल टू फोर वाई इंटू डी एक्स, तो वन से फोर तक है, और वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन, और लिमिट रख देंगे वन टू फोर, तो ये हो जाएगा आपका टू बाय थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू, और लिमिट रख देंगे वन टू फोर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो टू बाय थ्री फोर की पावर थ्री बाई फोर माइनस वन की पावर थ्री फाइव फोर, तो इसको थ्री बाई टू कर, तो जो होगा आपका टू बाय थ्री, और इसका मान हो जाएगा एट माइनस वन, तो सेवन फोर्टीन अपॉन थ्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज के करके देखिए। ओके, थैंक यू।